सिर्फ दावा नहीं हकीकत है। अजमेर शहर की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज, केवल 30 मिनट में आपके मोबाइल पर। हेडलाइन शाम 5 बजे, बुलेटिन शाम 6:30 बजे। देखने के लिए विजिट करें होराइजन हिंद न्यूज सच के साथ। महिला उत्पीड़न कोर्ट ने सुनाई 10 साल के कारावास की सजा। पत्नी को प्रताड़ित करने का था आरोप। प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने लगाई थी फांसी। महिला उत्पीड़न कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला देते हुए पत्नी को प्रताड़ना देने के मुलजिम को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2007 का है। मुलजिम रविशंकर पुलिस में नौकरी करता था। उसकी शादी ममता नाम की युवती से हुई थी। शादी के 6 माह के अंदर ही उसने ममता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तंग आकर एक दिन ममता फांसी के फंदे पर झूल गई। मामले में जांच के बाद कोर्ट को चार्जशीट पेश की गई। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए रविशंकर को धारा 491 में 2 साल और धारा 304 में 10 साल और धारा 406 में 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 5,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। सरकार बनाम रविशंकर प्रकरण में मुलजिम रविशंकर को धारा 498 ए में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये आर्थिक दंड और 304 बी में 10 साल की कठोर कारावास तथा 406 में 2 वर्ष का कठोर कारावास से 5,000 रुपये आर्थिक दंड का जुर्माना सुनाया। प्रकरण इस प्रकार था कि 30/11/2007 को रविशंकर जो भी पुलिस कांस्टेबल है उसकी शादी ममता नाम की लड़की जो NM थी उसके साथ हुई और शादी के 6 माह पश्चात से ही जो मुलजिम रविशंकर ममता को बहुत प्रताड़ित करता था जेल से मांग को लेकर और उसके बाद में ममता की पोस्टिंग अजमेर के श्रीनगर में हो गई थी। मुलजिम की जहाँ पोस्टिंग थी गंगानगर वहाँ से वो बीच बीच में लड़की को परेशान करता था और आखिर में ममता इतनी परेशान हो गई कि उसने अपना कमरे में ही पंखे पर झूल के और फंदा लगा के अपना जीवन लीला समाप्त कर दिया। इसके पश्चात थाना श्रीनगर में प्रकरण पिक्चर FIR नंबर 85/2011 दर्ज हुआ। उस पर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रविशंकर के खिलाफ माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत हुई जहाँ पर हमने 20 गवाह प्रस्तुत किए और डॉक्यूमेंट वगैरह एग्जिबिट करा के और आज इस प्रकरण में रविशंकर को नाम बताइए आपका। सीमांत भारद्वाज, अपर लोक अभियोजक, महिला उत्पीड़न कोर्ट।